अच्छा जी, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी कि हमारे पास, हमने कंप्यूटर के साथ बात करनी है और जो बात हम करना चाहते हैं दैट इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसके लिए हमने एक पैरेलल क्रिएट किया था कि हमारे पास एक रेसिपी है और उसको हम बेसिकली किसी बनाने वाले को समझाना चाहते हैं और उसके लिए दरमियान में एक इंटरप्रेटर आएगा जिसको हम बात समझाएंगे और वो आगे उसको समझाएगा, क्योंकि हमारी ज़बान फ़र्क है और उसकी ज़बान फ़र्क है। ठीक है जी, तो अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और इसको ज़रा टेक्निकल डिटेल में देखेंगे कि ये एक्चुअली होता किस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने थोड़ी सी हाई लेवल बात की है, अभी इसको इंटरनल्स इसके थोड़ा सा हम देखेंगे। अगेन याद रखें कि अभी यहाँ पे वो शुरू में आप लोगों ने जो कहा कि बिगर पिक्चर, तो बिगर पिक्चर वाली बात ख़त्म है। अब एक एक पॉइंट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आनी चाहिए, सारी फाउंडेशन है, इसके ऊपर आगे हमने फिर बातें करनी है। ठीक है जी, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो सवाल पूछें। तो मशीन जिस जबान को समझती है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सीधी बात है, क्योंकि वो मशीन की जबान है और कोई उसको बोलता भी नहीं है, मशीनें ही बोलती हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के मुख्तलिफ डायलैक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह हमारे पास पश्तो है तो पश्तो के बहुत सारे डायलैक्ट हैं। पिशावर में कोई और बोला जाता है, चारसदा में थोड़ी फ़र्क है, आगे बनू वगैरह की साइड की जो है तो वो अक्सर पिशावर वालों को भी समझ नहीं आती। इस तरीके से आई एम श्योर के बाकी जो पंजाबी हो गई, सराइकी हो गई, आगे जो सिंधी वगैरह हैं, सब में डायलैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये डायलैक्ट्स जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन किसने बनाई है और वो किस मकसद के लिए है, उसकी वजह से मशीन लैंग्वेज में वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, वो आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में तफसील से फिर पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट लेंगे कि वो लैंग्वेज जिसको मशीन समझती है। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा सॉरी, बहुत वैसी। तो मशीन जिस जबान को समझती है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो आम तौर पर मशीन लैंग्वेज जो है वो होती है बाइनरी की फॉर्म में। ठीक है, जीरो और वन, जिस तरीके से आप लोगों ने अभी शायद बाइनरी नंबर्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़ लिए नहीं यहाँ पे कोर्स में, पहले किसी ने पढ़े तो ये, जब मैं भी कोर्स में पढ़ लिए वैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ना। ठीक है, फिर सही है, मैं जब ये सवाल पूछूं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, पहले किसी ने पढ़े के साथ हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बाइनरी नंबर देख लिए, तो जीरो वन, मेरा काम आसान हो गया थोड़ा सा, कि आप लोगों के पास बाइनरी नंबर के अंदर मशीन काम करती है, क्योंकि मशीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या वो ऑन होंगे या ऑफ होंगे। ठीक है, सारे का सारा काम इस दो नंबर से करेगी मशीन। ठीक है, तो मशीन के अंदर जो जबान होती है उसके जो अल्फाज हैं वो हैं जीरो और वन, जीरो वन को मिला के वो सारे कहानी बनाएगी फिर। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अल्फाज कह लें या हरूफ कह लें, हरूफ ज़्यादा बेहतर है, कि जो हर्फ है, अल्फ़ाबेट जो है दैट इज़ जीरो एंड वन। मशीन सिर्फ जीरो एंड वन पे समझती है और हमने जो काम करवाना है हम जीरो वन के जरिए से करवाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो ये दो नंबर जो हैं ये इतने पावरफुल हैं कि ये हर वो काम कर सकते हैं जो किसी भी जबान में आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कंप्यूटेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं वो जीरो वन से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी तफसील थोड़ा बाद में जाके आप लोग, जो आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी साइंस है कंप्यूटर साइंस की, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हम कर सकते हैं कि सिर्फ इन दो से हर कंप्यूटेशन हो सकती है, वो बात की बात है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इतना ले लेंगे कि जीरो वन से हर चीज़ अचीव हो सकती है। मशीन की जो जबान बनेगी वो जीरो वन से मिलकर बनेगी। ठीक हो गया, तो मिसाल के तौर पर हमने अगर मशीन को कहना है कि आप हार्ड डिस्क में से जाके फलां डाटा रीड करके आओ, ठीक है, फलां फाइल जो है ओपन कर लो, तो उसका मिसाल के तौर पे हम उसको कहेंगे 00010001001। ठीक, ये मशीन को ये बात समझ आती है। अब अनफॉर्चुनेटली हम ये काम कर नहीं सकते कि हम सारी बातें उसको इस तरह बताएं। जिस ज़माने में कंप्यूटर्स नए बने थे उस ज़माने में इसी तरीके से लोग बात किया करते थे कंप्यूटर के साथ, तो हमने कहा ना कि एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारी बात को कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके देता है। उस ज़माने में वो ट्रांसलेटर इंसान होता था, एक वो इंसान ही बैठ के पहले फैसला करता था मैंने क्या करवाना है मशीन से, और फिर उसके बाद वो मशीन की जबान में उसको खुद इस तरह जीरो वन बनाता था और फिर मशीन के अंदर वो स्विचेस को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके मशीन को बात समझाया करता था। ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अगर हमें करना हो तो हम बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन भी इस तरीके से नहीं कर सकते, और अगर इस तरीके से काम किया जाए तो छोटे ऑपरेशन तो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट्स भी बड़े ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, आजकल जिस तरीके से हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर जिस किस्म की एप्लीकेशन है और ये सारे काम, तो बहुत बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी अगर बैठ जाए तो इतना टाइम ही किसी के पास ह्यूमन लाइफ के अंदर नहीं है कि वो ये काम मशीन लैंग्वेज में ही कर सके। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास आया, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने सोल्यूशन क्या निकाला, हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हम दरमियान में कोई ट्रांसलेटर वगैरह को ऐड करेंगे। तो मशीन जो लैंग्वेज को इस्तेमाल करती है, जिस तरह हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, एक दिमाग होता है सपोजिटली, ठीक है, जिसके अंदर हम बातें डालते हैं, जबान होती है उससे कुछ बात करते हैं, कान होते हैं उससे हम सुनते हैं। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपके पास, तो आपके पास जो दिमाग की इक्विवेलेंट जो मशीन के अंदर चीज़ है वो है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी इसेंशियली आपके पास वो एक किस्म की नोटबुक है,
जो कि मशीन के पास होती है, और जो भी आप कंप्यूटर ऑन करने के बाद उसको जो जो बातें बताते हैं वो उसके अंदर रखती है। कुछ बातें आप उसको कहते हैं कि अब इसको आप भूल जाओ तो वो भूल जाती है, कुछ आप उसको कहते हैं कि पिछली बात को छोड़ दो ये नई बात ले लो तो वो उसको याद रख लेती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई बात बताई और फिर मैंने आपको कहा कि नहीं ये गलत हो गया ये ले लें, ठीक है, या मैंने आपको कहा कि हमने जिस तरह लास्ट टाइम किया था कि 36 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो थोड़ी देर बाद मैं आपको कहूँ कि नहीं अब 36 का नहीं निकालना, अब 35 का निकालना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ बातें हम करते हैं, मुख्तलिफ बातें मेमोरी के अंदर मशीन अपने पास सेव कर दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आम जबान में कहते हैं मेमोरी, ठीक है, या मेन मेमोरी, या आम तौर पे इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि लास्ट टाइम भी हमने थोड़ी सी बात की थी। ठीक है, कि मेमोरी होती है जिसके किसी भी जगह से आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, रैंडम किसी भी लोकेशन से आप जाके मेमोरी को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी से जब भी आपने कोई काम करना होता है, कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी होती है, तो उससे मेमोरी से डाटा उठाया जाता है और आपके सीपीयू में लाया जाता है, प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, प्रोसेसर वो जगह है जहां पे एक्चुअल कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है, दिमाग के अंदर जो पोर्शन एक्चुअल कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, एक याददाश्त वाला पोर्शन है और एक कंप्यूटेशन वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 2 + 2 क्या होता है तो ये हो सकता है आप याददाश्त से उठा लें, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 2 + 25 क्या होता है तो आमतौर पर आपकी याददाश्त नहीं होगा, आप उसको कंप्यूट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें याददाश्त से आती हैं, कुछ बातों को कंप्यूट करना पड़ता है, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जिस चीज़ को कैलकुलेट करने की जरूरत है उसके लिए आपके पास प्रोसेसर में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप जब प्रोसेसर के पास जाएंगे तो मेमोरी अलग है और प्रोसेसर अलग है। मेमोरी रैम जो है आपके पास इस तरह की एक चिप्स ही होती है, आप लोगों ने अभी तक देख लिया लैब में कि नहीं? ठीक है, तो वो लगी होती है आपके मेन बोर्ड के ऊपर, एक मेन बोर्ड होता है जिसको मदर बोर्ड कहते हैं। ठीक है, सारे उसके बच्चे होते हैं, तो उसके अंदर सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो रैम वहाँ पर लगी होती है और प्रोसेसर एक अलग जगह पर लगा होता है। तो अब मेमोरी दूर है प्रोसेसर से, तो अगर आपने मेमोरी से चीज़ लेकर आनी होगी तो उसमें थोड़ी सी देर लगती है। ठीक है, तो हम चाहते क्या हैं कि जिस चीज़ के ऊपर हम अभी करंटली काम कर रहे हैं वो हमारे पास प्रोसेसर के अंदर ही पड़ी हुई हो, और जो चीज़ें ज़्यादा हैं जो प्रोसेसर के अंदर हम नहीं सेव कर सकते उनको हम मेमोरी में रख लेंगे। ठीक है जी, तो मेमोरी के अंदर भी, सॉरी, प्रोसेसर के अंदर भी इस तरीके से एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन होती है जो कि बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत तेज़ होती है, क्योंकि एक तो करीब होती है और दूसरी वजह यह है कि वो एक्सपेंसिव मटीरियल से बनी होती है, तो उसकी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह उसके अंदर अच्छे तरीके से पास होते हैं वगैरह वगैरह, इसकी वजह से वो बहुत तेज़ होती है। ठीक है, ये वाली जो मेमोरी है ये कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ठीक है, इसको नहीं, इसको कैसे नहीं कहते, इसको कहते हैं रजिस्टर। जिन लोगों को कैसे का पता है वो मेमोरी और रजिस्टर के दरमियान में होता है, रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, कैसे फास्टेस्ट नहीं, सही है जी। तो रजिस्टर आपके पास उस चीज को कहा जाता है जो कि प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी होती है, काम ये वही करती है जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं करती लेकिन वही काम करती है जो कि रैम जो काम करती है। ठीक है, तो रैम के अंदर कुछ मेमोरी पड़ी होती है और जिस मेमोरी के ऊपर हमने अभी काम करना होता है, मिसाल के तौर पे अब आप लोगों को कैलकुलस का भी पता है, बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन अभी आपने अपनी मेमोरी में जो चीज़ हाजिर की हुई है वो आईटीसी से रिलेटेड कंटेंट है, ये सिलिकॉन वगैरह से बदबला सारे जो बनते हैं। ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिक्स मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन मोस्टली सिलिकॉन की सारा के सारा। ठीक है, तो आपके पास मेन मेमोरी से आप चीज़ ले आते हैं रजिस्टर के अंदर, तो रजिस्टर का क्या फ़ायदा है, रजिस्टर बहुत तेज़ है लेकिन बहुत थोड़ा है। ठीक है, रैम आपके पास होती है जीबीज में, सही है, रजिस्टर आपके पास होते हैं बहुत थोड़े, 17, 18, 19, 20, 25 इस तरह के रजिस्टर होते हैं आपके पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमने पहले देख लिया कि इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या चीज़ें होती हैं जिनके जरिए से आप इस मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और पैरामीटर्स थोड़ी देर बाद जाके आ जाएंगे, वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस को आप कोई बातें बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि इन 2 नंबर्स को ऐड करो तो आप उसको 2 नंबर देने होंगे ना, तो वो जो 2 नंबर हैं वो पैरामीटर हैं। ठीक है, पैरामीटर वैसे कहते हैं बाउंड्री को। ठीक है, जिस तरह आप हमारे जो इस कैंपस का पैरामीटर है वो ये दीवार है जो बाहर लगी हुई है, तो पैरामीटर इंग्लिश में बाउंड्री को कहते हैं। यहाँ पे इसको पैरामीटर इसलिए कहते हैं कि उस वो जो नंबर्स हमने उसको दिए हैं, जो भी हमने उसको चीज़ें भिजवाई हैं, वो उनकी हदूद के अंदर रहते हुए काम करेगा, यानी कि उनकी बुनियाद पर काम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेग सी डेफिनेशन है इसकी पैरामीटर की इस सेंस में, लेकिन बेसिकली इंस्ट्रक्शन जिन चीज़ों पर काम करती हैं उनको पैरामीटर कहा जाता है। आगे तफसील से इसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है जी। अच्छा जी, तो ये हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं कि मशीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके जरिए से वो ज़बान जो है वो बेसिकली आती है या चलती है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आपके पास अब मशीन लैंग्वेज की शक्ल किस तरीके से होती है, जो हमने आपको बताया कि 0010001001, ठीक है, तो इसको अब हम समझ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम इस इंस्ट्रक्शन, इस ये पूरी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक काम है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये लिखा हुआ है
कि आप ऐड करो 0 को और 6 को, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमें देख के नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ कैसे लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लें कि ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, मिसाल के तौर पर हम इसको कह देते हैं कि ये 0 है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में, ये भी 0 है। और ये जो पहली चीज़ होती है ये इंस्ट्रक्शन का नाम होता है, ये दो जो हैं ये पैरामीटर हैं कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, और ये पहला जो पोर्शन है ये होता ही है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर है ऐड, सही है। तो अगर आपको ये लिखा हुआ नजर आए तो आपको अगर आता भी है तो आपको बड़ी देर सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, लेकिन अगर आपको ये लिखा हुआ नजर आए तो आप जरा थोड़ी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ जी दो नंबर्स को ऐड करने का कहा जा रहा है, कौन से दो नंबर, 0 और 6, ठीक है। तो ये होगी मशीन लैंग्वेज, और इसकी एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप मशीन लैंग्वेज से असेंबली इस दूसरी लैंग्वेज में आते हैं और इस लैंग्वेज से वापस जाते हैं तो कोई डाटा लॉस नहीं होता, इसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। लास्ट टाइम याद है हमने बात की थी कि एक इंटरप्रिटेशन होती है और एक ट्रांसलेशन होती है, तो इसके अंदर इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है, ये एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, इसके अंदर किसी भी किस्म का लॉस नहीं है, इसमें गलती के चांसेस कोई नहीं है, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो ये जो है एड 06, इस जबान में या यूं कह लें कि इसी इन्हीं चीजों को अगर हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं तो इसको कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज से क्या मुराद है कि ये वो लैंग्वेज है जिसको कि ह्यूमन भी पढ़ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूं कि आगे पता चलेगा, लेकिन मशीन इसको डायरेक्ट नहीं समझ सकती, लेकिन इसके एग्जैक्ट पैरेलल एक चीज है जिसको मशीन समझ सकती है। अगर आप ऐड की जगह उठा के 001 लिख दें तो मशीन को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐड की जगह हमेशा 001 ही लिखा होगा, जहां 001 लिखा है इसका मतलब है ऐड, जहां ऐड लिखा है उसका मतलब है 001, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के, सही है जी, समझ आ रही है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन थोड़ी देर बाद जाके दोबारा आ जाएगी कि इंटरप्रिटेशन कैसे आती है बीच में। नहीं, ऐड 001 नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पर क्या, ठीक है, ऐड कुछ इतनी बड़ी सारी चीज़ होती है, हम सारी नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन होगा वो जो भी होगा वो एक ही होगा और वही रहेगा हमेशा किसी एक मशीन के लिए, जब डायरेक्ट चेंज होगा तो वो नंबर चेंज हो सकता है फिर, ठीक है, समझ आ रही है जी बात की। तो अब असेंबली लैंग्वेज हम देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मशीन लैंग्वेज लिखता हूँ तो कख भी समझनी पड़ेगी हमें, ठीक है, ना मुझे समझ पड़ेगी ना आपको समझ पड़ेगी, तो हम असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं। लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए कि हम जो असेंबली लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उससे मुराद फिर भी मशीन लैंग्वेज, दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। सवाल है, आप लोग के हाथ असल में इस तरह आप लोग सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सोचें गुजर। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास मूव करना है, देखें MOV से समझ आ रहा है ना कि मूव करना है, ठीक है, किसको मूव करना है, 4 को मूव करना है, कहाँ मूव करना है, AX में मूव करना है। ये AX कहाँ से आ गई, ये क्या भला है, ये AX जो है यहाँ पे आपके पास जो रजिस्टर्स होते हैं इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, मिसाल के तौर पे AX, BX, CX, BX, ठीक है, PX, GX, QX, जो भी नाम आप रखना चाहें, ठीक है, PX, QX नहीं होते लेकिन बहरहाल इस किस्म के नाम होते हैं रजिस्टर्स के, ठीक है। हमने कहा ना कि चंद गिने चुने रजिस्टर्स होते हैं, तो बजाय इसके कि हम उसको कहें कि रजिस्टर पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, हम कहते हैं कि इसका नाम AX है, हमने उसका नाम रख दिया AX, ठीक है। फिर आगे इसके फायदे जो कि आप लोग नेक्स्ट आप लोगों के सेमेस्टर में इंशाल्लाह आएगी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज, वहाँ पे आप ये तफसील से सारी फिर बात पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये किया किस तरीके से जाता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज आप लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, पहले हम ITC में कोई और लैंग्वेज पढ़ते हैं ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, और फिर आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, जिसको कॉल कहते हैं, COAL, कॉल, उसमें आप जाके समझते हैं कि मशीन इस चीज़ को कैसे करती है, ठीक है जी। बात ये रही जी, कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो मुझे रोकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या कहा कि 4 को AX रजिस्टर में डाल दो, AX एक रजिस्टर का नाम है, आपने कहा कि उसके अंदर 4 सेव कर लो अपने पास, हमने कहा ना याददाश्त है और हम उसके अंदर कोई चीज़ सेव कर सकते हैं, तो आपने AX के अंदर 4 को रख लिया ले जाके, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, रजिस्टर मेमोरी की समझ आई है, मेमोरी आपके पास काफ़ी बड़ी होती है, लेट से आपने 4 GB की रैम लगाई हुई है, लेकिन 4 GB की रैम मदरबोर्ड में थोड़ी दूर लगी हुई है प्रोसेसर से, प्रोसेसर बहुत तेज़ है, प्रोसेसर सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ है आपके पूरे कंप्यूटर में। अब प्रोसेसर को अगर रैम से बार बार चीज़ लानी पड़े तो उसको बड़ी देर लगती है, प्रोसेसर इंतजार कर रहा होगा, प्रोसेसर क्या कहता है कि भाई ये 10 चीज़ें मुझे चाहिए, इनके ऊपर मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, ये मुझे दे दो, मैं अपने पास रखूँगा, तो अपने पास उसके पास एक छोटा सा एक डब्बा होता है, उसके अंदर वो रखता है वो चीज़ें, बजाय इसके कि जाके वहाँ से काउंटर से निकाल के लेके आए, वो अपने पास वो चीज़ें रखता है, तो अपने पास जो चीज़ें जिस जगह पर रखता है उनको कहते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उनमें से एक का नाम है AX, तो हम ये कह रहे हैं कि 4 जो है उसको AX में रख लो अपने पास, ठीक है, क्योंकि 4 के ऊपर अभी हमने कुछ करना है जो कि हमें बड़ी तेज स्पीड में चाहिए, ठीक है जी। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद कोई और इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फिर कोई और इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हो सकता है हम कहें कि इस 4 के अंदर अब 2 ऐड कर लो, जब 2 ऐड हो जाएगा तो फिर हम कहें आप बताओ कितने आ गए AX के अंदर, 6 होंगे उसके अंदर,
तो हम 6 वापस ले लेंगे उसे, क्या मुझे 6 वापस दे दो और फिर मैं उसको मेमोरी में वापस भेज दूंगा। ठीक है, इस किस्म का काम एसेंशियली मशीन करती है। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पे ये सिर्फ मूव AX और 4 अगर आप देखें तो ये आसान है समझना, इसको समझना काफ़ी आसान है। लेकिन जब आप मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ले आए और बहुत बड़ा सारा कोई काम करवाना चाहे तो मशीन लैंग्वेज को समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है जो कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था स्क्वायर रूट का एल्गोरिदम जो हमने किया था, अगर वो आप मशीन लैंग्वेज में लिखें तो वो इतनी बड़ी सारी चीज़ बनेगी कि वो हमें समझ आनी भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ऑल्दो कि वो हमारी लैंग्वेज में 3-4 लाइनें थी। तो हम चाहते ये हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में कोई बात करें और कोई इंटरप्रेटर आके हमारी जो बात है उसको ट्रांसलेट कर दे इस असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर कोई बंदा इस असेंबली लैंग्वेज को चेंज कर दे मशीन लैंग्वेज में ताकि मशीन उसको फिर एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है जी, प्रॉब्लम समझ आएगी कि हम क्या मसला क्या है। हम किसी और जबान में बात करें जो हमारे लिए समझना आसान है, मशीन की जबान तो छोड़ें लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी अगर आप कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स बात करें तो उसको इंसानों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो समझना मुश्किल है तो हम उसके अंदर प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकते। समझ आ रही बात की जी? तो लैंग्वेज आपको ऐसी चाहिए जिसको समझना आसान हो, ह्यूमंस के लिए उसको समझना आसान हो। ये जो लिखी हुई है असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज वैसी होगी इसकी 001 00011 01 01। ठीक है, दोनों में एसेंशियली कोई फर्क नहीं है, 001 को ही लिखने का दूसरा तरीका है ऐड। ठीक है जी, फिर हो गया जी बात। हम किसी ऐसी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए समझना आसान हो ताकि हम उसके अंदर आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इशू क्या है कि मशीन को वो समझ नहीं आती, तो मशीन को अगर समझाना है आपने तो आपको उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो हम कुछ और चाहते हैं, मशीन कुछ और चाहती है, तो दरमियान में एक मीडिएटर आ जाता है जो कि हमारी बात को ट्रांसलेट करके देता है मशीन को। ठीक है जी, समझ आ गई, उसको इंटरप्रेटर हम कहते हैं या और अल्फाज भी थोड़ी देर में आएंगे। सही हो गया जी। अच्छा, आगे कोई और इंस्ट्रक्शन आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से और कोई इंस्ट्रक्शन आ सकती है, इस तरीके से और कोई इंस्ट्रक्शन आ सकती है। ठीक हो गया जी। अब जो हमारे पास लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो मशीन लैंग्वेज हो, चाहे वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो, चाहे वो लैंग्वेज हो जिसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने एल्गोरिदम को लिखते हैं, उसके अंदर 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स किस चीज़ को कहा जाता है? लैंग्वेज तो पता है ना कि लैंग्वेज के आपके पास कुछ हरूफ होंगे, उनसे मिलके कुछ अल्फाज बनेंगे और अल्फाज से मिलके आगे पूरे पूरे सेंटेंस बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, बातें बनती हैं, एसेज बनते हैं, पूरे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उसके जरिए से आप हल करते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के अंदर सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो हर्फ होता है। ठीक है, तो उससे एक किस्म का पैरेलल आप ये देखें कि सिंटैक्स इस चीज़ को कहते हैं कि आप कौन से हरूफ को साथ मिला सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि 329, ठीक है, तो इसका कोई मतलब है? ठीक है, 329 तो को मतलब है ना, सही है? हमारी जबान में, हम जो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसके अंदर 329 का कोई मतलब है, सही है? जबकि अगर मैं कहूँ 32A, तो अगर कोई मैथमेटिशियन नहीं है, मैथमेटिक्स को छोड़ दें, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो 32A का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 32A का क्या मतलब हुआ? ठीक है, हाँ, अगर मैं कहता कि अल्फा, तो अल्फा का कोई मतलब है। मैं कहूँ एप्पल, तो एप्पल का कोई मतलब है। ठीक है, तो कौन से हरूफ को आप आपस में एक साथ मिलाकर कौन सा हर्फ किसके बाद आ सकता है, किससे पहले आ सकता है, ये सारी बातें आप मिलाकर जो रूल्स बनते हैं उसको कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, कि किस किस्म के अल्फाज आप बोल सकते हैं, कौन से अल्फाज एक दूसरे के साथ लग सकते हैं, इस किस्म की बातें। ठीक है जी, एसेंशियली कौन कौन से अल्फाज आप बोल सकते हैं। ठीक हो गया जी, बात क्लियर है जी। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं AB। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में AB ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि AB का क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी आप 32A नहीं कह सकते, 32A का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे भी। ये वैसी मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, आगे जाके पता चल जाएगा। ह्यूमन लैंग्वेज की थोड़ी सी जो हम बात करें तो उसके साथ एग्जाम्पल चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टैटिक दूसरी चीज़ होती है सेमेंटिक। ठीक है, सेमेंटिक्स वैसे कहते हैं जो कि अकल में आने वाली चीज़ हो। ठीक है, सिंटैक्स जो है वो ऐसी चीज़ है जिसको आप कंप्लीटली रूल से डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर अकल वाला काम बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, सेमेंटिक्स हैं जिसकी कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देते हैं तो देखें थोड़ा सा समझ आएगा। सेमेंटिक क्या है कि मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आई एम किस तरह, आई एम अ टेबल तो सही नहीं, आई सॉ ए कैट। ठीक है, आई सॉ ए कैट आप कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ना, इसका कोई मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका कोई मतलब है। लेकिन अगर आप कहें कि आई कैट डॉग, ठीक है, तो आई सही है अपनी जगह पे, कैट भी अपनी जगह पे सही है, डॉग भी अपनी जगह पे सही है,
ये भी लफ्ज है, ये भी लफ्ज है, ये भी लफ्ज है, दरमियान में स्पेसिस है, आखिर में फुल स्टॉप है, सब कुछ सही है, लेकिन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके सेमेंटिक्स ठीक नहीं है। और कौन से सेमेंटिक्स ठीक नहीं है? स्टैटिक सेमेंटिक्स ठीक नहीं है। इसके अगेंस्ट एक और सेमेंटिक्स होते हैं, उनको देखते हैं अभी। स्टैटिक का मतलब यह है कि जो चीज हिलती नहीं है अपनी जगह से, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते साथ ही आपको पता चल गया कि यह गलत है। ठीक है, तो ये स्टैटिक एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इसको देख के पता चल गया कि इसके अंदर गलती है। समझ आ रही बात? ये क्या गलती है? हुरूफ की गलती नहीं है कोई, हुरूफ की कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पास इसके अंदर जब आप इसको देखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट्स मीनिंगलेस। ठीक है, डज नॉट मेक सेंस टू से आई कैट डॉग। समझ आ रही बात? की ठीक है जी, इसकी प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स आगे आएंगी, फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जरा देखें। सेमेंटिक्स किस चीज को कहते हैं? कि आपका जो पूरा मतलब जो आप बना रहे हैं वो सारे का सारा सेंस बनाता है कि नहीं बनाता। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं आई सॉ ए पिजन। ठीक है, इट मेक सेंस, ठीक है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। इसकी जगह पे आप कहते हैं आई सॉ ए ब्रेवरी। ठीक है, तो इसको देख के आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ मसला है, लेकिन जब आप थोड़ी सी अपनी एक्सटर्नल नॉलेज लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि ब्रेवरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देखा जा सके, तो फिर आपको समझ आती है कि इसके अंदर कोई मसला है। ठीक है, तो स्टैटिकली देख के आपको पता नहीं चलता, कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज आप जब लेके आते हैं तो आपको पता चलता है इसके अंदर कुछ मसला है। ठीक है, तो ये चीजें जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज मांगती है उनको कहते हैं सिर्फ सेमेंटिक्स। ठीक है, सेमेंटिक्स कहते हैं उनको। तो सिंटेक्स जो कि ये बताता है कि आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हुरूफ कौन से कॉम्बिनेशन सेंस बनाएंगे, ठीक है, वो बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि भाई ये चीज जो आपने लिखी है इसका कोई सेंस नहीं। इस तरीके से स्टैटिक सेमेंटिक्स हैं कि चीज को देखते साथ ही आपको पता चल जाए कि इसके अंदर जो मीनिंग है कोई मीनिंग है भी या नहीं है। ठीक है, और सेमेंटिक्स ये है कि ये मीनिंग है तो ठीक है या गलत है, मीनिंग होगा सही, लेकिन वो मीनिंग सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक है जी, इसकी गलतियों की एग्जांपल्स अगली स्लाइड पे भी हम देखते हैं, यहाँ तो थोड़ा बहुत क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड जब हो जाए तो फिर दोनों स्लाइड्स एक साथ बताएंगे क्लियर हुई है कि नहीं। ठीक है जी, तो एरर्स किस किस्म के हो सकते हैं? जब आपके पास कोई सिंटेक्स एरर होगा, मिसाल के तौर पे 32AX अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हाँ जी ये सही नहीं है। ठीक है, ये कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ मशीन भी आपको बता सकती है। ठीक है, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ नहीं, लेकिन कोई भी मशीन आपको बड़ी आसानी से बता सकती है कि जो आपने बात की ये ए के साथ 32 के साथ ए आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, ये आसानी से पता चल जाता है। इस तरीके से स्टैटिक सेमेंटिक्स जो हैं उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आई सॉ ए के बाद आपने मिसाल के सॉरी मैं एग्जांपल जरा गलत हो गया। आप ये देखें कि यहाँ पे ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जिन लोगों को इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती वो गुजारा करें, और जिनको आती है वो ज़रा मुझे करेक्ट करें क्योंकि मुझे भी नहीं आती। ठीक है, तो ये है, ये मेरा ख्याल है वर्ब है, ये क्या चीज़ है, है? भाई ये कुछ चीज़ है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पता है और चीजें मुझे नहीं पता। तो बेसिकली हमें हमारे पास ये रूल्स मौजूद हैं कि भाई आप पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कंक्रीट रूल्स मौजूद है जिनकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। ठीक है, अब यहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये पता नहीं क्या है, और ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब बीच में से गायब है, तो और ये अगर इसको भी ऑब्जेक्ट बना ले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आपके पास सेंटेंस नहीं बनता। तो आपके पास एक कंक्रीट रूल मौजूद है, रूल की बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि ये बात सही है, ये बात गलत है। ठीक है, तो सिंटेक्स को फाइंड आउट करना किसके अंदर गलती है बड़ा आसान काम है, स्टैटिक सेमेंटिक्स को फाइंड आउट करना किसके अंदर गलती है बड़ा आसान काम है, लेकिन जो आपके पास ये सेमेंटिक्स हैं या इनको आप डायनेमिक सेमेंटिक्स कह सकते हैं, जो कि सही लफ्ज नहीं है लेकिन आप इसको कह सकते हैं, तो इसके अंदर गलती ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहां पर ब्रेवरी को देखा नहीं जा सकता। इसके लिए आपको ह्यूमन नॉलेज चाहिए, दुनिया की नॉलेज आपको चाहिए, फिर आप ये फैसला कर सकते हो, तो ये वाला फैसला कंप्यूटर नहीं कर सकता। समझ आ रही बात की? ठीक है, सिंटेक्स को कंप्यूटर बड़ी आसानी से हल कर सकता है क्योंकि उसके रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर के बाद साथ उसके लगा हुआ कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा रूल है, ये आ गया बस आपका बात गलत आपने की है। स्टैटिक सेमेंटिक्स आप निकाल सकते हो क्योंकि आप ग्रामर वगैरह के रूल्स बता सकते हो। ठीक है, लेकिन जो डायनेमिक सेमेंटिक्स है जिनको सिर्फ सेमेंटिक्स कहते हैं उनके लिए रूल्स डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। इस एग्जांपल से थोड़ा समझ आ रहा है कि इसके लिए रूल डिफाइन करना क्यों मुश्किल काम है, क्योंकि रूल जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉमन सेंस कंप्यूटर के अंदर डालना वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ठीक है जी, तो अक्सर जो आपके पास मसले आते हैं जब आप प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे होते हैं तो आपके पास सिंटेक्स के मसले आते हैं। ठीक है, बात जरा गौर से देखें, आपके पास अक्सर मसले आते हैं सिंटेक्स के, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये लैंग्वेज जो है ये अब एक नई लैंग्वेज है, इसमें मैं 32A कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। ठीक है, लैंग्वेज ही आपको नहीं आती,
तो आप उस किस्म की गलतियां करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप जब थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर आपका हाथ साफ हो जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि यार 32A नहीं लिखना है, एक दफा लिखेंगे, दो दफा लिखेंगे, तीन दफा आपको समझ आती है कि यार बस ये काम नहीं करना, ठीक है। तो फिर आप A32 लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे जो कि सही होगा, ठीक है। जब आपका सिंटेक्स सही हो गया तो फिर आपके पास स्टैटिक सेमेंटिक्स के एरर्स आने शुरू होते हैं, बहुत कम, ये बहुत कम आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर भी बड़ी ऑब्वियसली आपको पता होता है कि आई कैट डॉग, जब मैंने बोला तो आप लोग भी हंस पड़ेगी, ये क्या बात की है। कर सकता है स्टैटिक सेमेंटिक भी कंप्यूटर डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि रूल्स होते हैं, जिस चीज़ के रूल्स आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं वो काम कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है। सेमेंटिक्स एरर्स जो है वो मसला है, स्टैटिक सेमेंटिक्स भी कुछ अर्से बाद आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं, वो मसला नहीं होता आप लोगों को। जब आप लोगों को थोड़ी बहुत लैंग्वेज आ जाती है तो सिंटेक्स भी ठीक हो जाता है, स्टैटिक सेमेंटिक्स भी ठीक हो जाते हैं। अगर ठीक नहीं भी है, कहीं भी आपसे गलती हो भी गई, वो आपको नजर आएगी तो आप फौरन यूं करके उसको पिक कर लेंगे, ओहो यार ये गलत हो गया, ठीक है। ये बड़े आसान होते हैं, मसला आता है सेमेंटिक्स के अंदर, ठीक है। और वो मसला क्यों आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि वो मांगती है वर्ल्ड की नॉलेज, और वर्ल्ड की नॉलेज को आप इस टाइम पे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, दोनों बातें एक साथ आपको जब देखनी पड़ती हैं तो उसके अंदर जब प्रॉब्लम आता है तो आपको समझना मुश्किल होता है और कंप्यूटर आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। इसके आगे एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है। तो सेमेंटिक एरर्स आते हैं जब, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात यह होगी कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि मशीन को बिल्कुल ही समझ नहीं पड़ी कि मैं क्या करूं, और वो डस करके क्रैश हो जाती है। क्रैश का मतलब यह है कि आपका जो सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा था, वो जिधर भी था, जो काम भी कर रहा था, वो वहां पे हाथ खड़े कर देता है, कहता है बस मैं नहीं जा रहा आगे, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रही आप क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो क्रैश होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग क्रैश नहीं होता, वो दूसरी चीज होती है, वो जो ब्लू सी स्क्रीन आप लोगों ने अब शायद नहीं देखोगी, विंडोज वाले ने हटा दी, बड़ी बदल देखी हुई है। हाँ नहीं, वो एक दूसरी एक ब्लू स्क्रीन आती थी जिसके बाद आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ता था, ठीक है जी। किसकी? हाँ, डेथ स्क्रीन, उसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD, विंडोज की बड़ी मशहूर है, आप हटा दी उन्होंने, इतनी मशहूर थी कि आती है, मेरा ख्याल था कि अब नहीं आती तो शायद हट गई होगी। बहरहाल उसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, बड़ी मशहूर है, क्योंकि बेसिकली एवरीथिंग इज डेड, तो वो क्रैश होता है। क्रैश से क्या मुराद है कि जिस भी जो भी सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ वो हाथ खड़े कर देता है, मैं कुछ आगे बात नहीं कर रहा आपके साथ। आप उसको कहेंगे जो मेमोरी तुम्हारे पास थी मैं कुछ बात नहीं कर रहा भाई, जो काम किया वो तो मुझे बता दो, मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं, बस नहीं पता मुझे, ठीक है। इसको कहते हैं क्रैश, डस जाके गाड़ी लग गई बस, उसके बाद अब आप उसको कहेंगे पीछे के वो कब मुझसे बात मत करो, मेरी गाड़ी क्रैश हो गई, समझ आइए, क्रैश इसको कहते हैं। क्योंकि क्रैश से कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, क्रैश अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे अच्छी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इसको बिल्कुल आखिरी हद है कि इसके बाद बस आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो क्रैश नहीं है, ठीक है, तो इसको क्रैश कहा जाता है। ये क्रैश है आर के साथ, मैंने एक PhD स्टूडेंट के मुंह से इस क्रैश को क्लैश सुना है, लिहाजा मेहरबानी करके अल्फाज जो है वो सही बोला करें। PhD स्टूडेंट एक CS का हो और वो ये कहे कि मेरा सॉफ्टवेयर क्लैश हो गया, तो उसके सर पे हथौड़ी मारने को दिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से इस वजह से बता रहा हूँ ताकि ये अल्फाज सही बोला करें, किसी समझदार बंदे के आगे अगर गलत बोलेंगे तो बहुत सख्त बेइज्जती होती है, ठीक है। तो ये क्रैश होता है, क्लैश और चीज़ होती है जो आप लोगों को पता है जो टाइम टेबलों में आते हैं, ठीक है, वो क्लैश होता है। एनीवे, मुझे एग्जांपल याद आ गई थी, तो क्रैश इसको कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल आग खड़ा कर देंगे, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आप कोई स्क्वायर रूट कैलकुलेशन वगैरह का मेथड बना रहे थे और उसके अंदर आपने उसको कहा कि जो भी आपके पास नंबर है उसको डिवाइडेड बाय जीरो कर दो। ये आम तौर पे वो एरर है जो कि जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं उनको आमतौर पर ये सबसे पहले यही क्रैश नजर आता है, ठीक है। आप उसको कहेंगे डिवाइड बाय जीरो करो, डिवाइड बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी पे कंप्यूटर नहीं समझता, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब है क्रैश, इन्फिनिटी आपने उसको जैसी दिखाई वो कहेगा क्रैश, ठीक है। कुछ इसके अंदर वेरिएशन हैं लेकिन बार आम तौर पे इन्फिनिटी आप उसको दिखाएंगे तो क्रैश। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि इन्फिनिटी पे समझती हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो लेकिन आम तौर पे जो हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास डिवाइड बाय जीरो जो होता है वो आमतौर पे सॉफ्टवेयर क्रैश, उसको समझ ही नहीं पड़ती कि मैं क्या करूँ, ठीक है, सब 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 गड़बड़ हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये क्रैश हो गया। अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं, आपको पता चल गया कि हाँ जी बस क्रैश हो गया, डाटा तो आपका गया, लेकिन एटलीस्ट सॉफ्टवेयर को सही करने के हिसाब से आपको क्लियरली पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर इस वजह से क्रैश हुआ है, आप उसको ठीक कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो क्रैश ऑल दो के हमें बहुत बड़ी अजीब सी चीज लगती है, लेकिन क्रैश इज एन ईजी प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हल करना आसान है हमारे लिए, एज कंप्यूटर साइंटिस्ट, एज प्रोग्रामर्स, एज कोडर्स, हमारे लिए इसको हल करना आसान है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। इससे बड़ी जो मसला है वो क्या है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर चली जा रहा है खत्म ही नहीं होता, ठीक है। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा हमने एल्गोरिथम एक बनाया था इम्प्रूव का, याद है कि अगर आप इस नंबर से आगे हैं, आपका गैस अगर इस नंबर से आगे है तो उसको कम कर दो, और अगर कम है तो उसको ज्यादा कर दो, ठीक है। और हमारा जो एक्चुअल स्क्वायर रूट था वो इस जगह पे था और हमने गैस शुरू में लगाया था यहां पे जी। अब क्या होगा,
हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमारे एल्गोरिदम क्या कर रहा है, जी इससे पीछे है तो जी को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाएगा, जैसे ही इससे थोड़ा सा आगे होगा इसको वापस पीछे लेके जाएगा, जैसे ही उससे थोड़ा सा पीछे होगा तो ये फिर आगे लेके जाएगा, और ये यहाँ इस तरीके से घूमता रहेगा, घूमता रहेगा ना। हमारा एल्गोरिदम ये कह रहा है कि अगर आप कम हो तो ज्यादा करो, ज्यादा हो तो कम करो, जब तक ये इसके स्क्वायर रूट तक आप पहुंच नहीं जाते। आप इधर मंडला रहे हैं, स्क्वायर रूट उधर है, तो यहाँ तो आप मंडलाते रहेंगे सारी उम्र, आप स्क्वायर रूट तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अब मसला क्या है कि आपको नजर नहीं आ रहा कि कंप्यूटर कर क्या रहा है, और वो उधर फिर रहा है वहां पे कैंटीन के पास, यहाँ क्लास शुरू है, ठीक है, फिर ही जा रहा है, फिर ही जा रहा है, फिर ही जा रहा है, और उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वो वहां पे उस बात को छोड़ के वापस आए, क्योंकि जो एल्गोरिथम आपने उसको दिया है तो वो उसको बता रहा है कि आप वहीं पे फिरते रहो। बात समझ आ रही थी? तो एक तो चीज है कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, जब क्रैश हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, आप उसको हल कर लेंगे। अब मसला जरा उससे बड़ा हो गया कि अब आपका सॉफ्टवेयर चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, अब आपको ये पता नहीं है कि आया ये प्रोग्रेस कर रहा है सोल्यूशन की तरफ, जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अब आप क्या करेंगे, या तो उसको रोकेंगे, क्या पता वो सही काम कर रहा होता, आपने एक घंटा इंतजार कर लिया, क्या पता वो एक घंटा और दो मिनट में सही होने वाला था, आपने वैसे ही अपना घंटा जाया कर दिया, दोबारा आपने रन किया फिर वो एक घंटा चल रहा है और एक घंटा दो मिनट में हो गया, तो आपने कहा यार वो पहला एक घंटा मेरा वैसे जाएगा। समझ आ रही बात की? तो आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आया ये वाकई फंसा हुआ है किसी जगह पे या नहीं, इसको वाकई टाइम लग रहा है, काम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको टाइम लग रहा है। समझ आ रही बात की? लेकिन इसके भी कुछ तरीके हैं, इनको भी आप हल कर सकते हैं काफी आसानी से। ठीक है, आपको अपने कोड का पता है कि यार ये कोड एक घंटा नहीं चलेगा, बहुत अगर स्लो भी चलेगा, बड़ी भी इसको देर लगेगी, तो 15 मिनट 20 मिनट में इसको हो जाना चाहिए, और बस अब एक घंटा हो गया तो अब बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर में ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इसको भी हम हल कर सकते हैं। समझ आ रही बात की? कि एक है मसले का आना और दूसरा है उसको हल करना। तो क्रैश ऑल्दो के बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसको हल करना बड़ा आसान है हमारे लिए। ये रन टू इन्फिनिटी जो है, इसका मतलब है कि बस ये रन होता ही रहेगा, ये उससे थोड़ा सा हमारे हिसाब से थोड़ा छोटा प्रॉब्लम है, कुछ तबाह तो नहीं हुआ ना, सब कुछ मेमोरी में तो पड़ा हुआ है, लेकिन इसको हल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। और अब जो तीसरी चीज़ आएगी, वो तीसरी चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर एक्चुअली कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपके सॉफ्टवेयर ने बड़े अच्छे तरीके से वो गया, काम करके आ गया, उसने आगे आपके ला के रिजल्ट रख दिया, लेकिन वो रिजल्ट ठीक नहीं है। आपने पीएन को बुलाया, आपने उसको कहा जो मेरे लिए चाय लेके आओ, वो गया, उसने चाय बनाई, उसमें प्याज डाल दिया, मजे से ले आया, यहाँ पे ला के आपके आगे रख दिया। ठीक है, अब आपने उठा के वो आगे मेहमान को पकड़ा दिया और मेहमान ने वो चाय खैर से पी। ठीक है, ये मैं एक बंदे के साथ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे एग्जाम्पल याद है, मुझे नहीं पता था कि वो उस पानी में प्याज है। एनीवे, तो मसला क्या हुआ कि आपको ये पता नहीं चला कि जो रिजल्ट आया है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें अगर टेस्ट कर लेते तो हमें पता लग जाता ना। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल अच्छी नहीं है, अगर उसने उसके अंदर कोई नहीं एनीवे तो वेटर होता है ना, अगर आप वेटर के साथ कोई बहुत ज़्यादा बदतमीजी करें तो जो काम वो करते हैं चाय वगैरह के साथ, अगर उसने वो कर लिया तो आपको पता भी नहीं चले। समझ आई नहीं समझ? जिनको नहीं आई वो उनसे समझ लेंगे, जो कि जिनको समझ आएगा। एनीवे, तो बहरहाल आपको जो रिजल्ट मिला वापस, आपने कंप्यूटर को दिया इसलिए था ना ताकि कंप्यूटर आपको करके दे, आपके पास सही जवाब नहीं है उसका। गौर से सुने, आपने कंप्यूटर को प्रॉब्लम दिया इस वजह से क्योंकि आपके पास कोई और टूल नहीं था उस मसले को हल करने के लिए। हम शुरू से बात कर रहे हैं ना कि कंप्यूटर को हम तब बीच में लेके आएंगे जब उस मसले को हल करने के लिए हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो हमने कंप्यूटर को यह प्रॉब्लम दिया इस वजह से था क्योंकि उसको चेक करना शायद हमारे लिए पॉसिबल हो, लेकिन उसका सोल्यूशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने उसको कहा कि आप मुझे स्क्वायर रूट निकाल के दें 33625.9682968 का। ठीक है, उसने मुझे एक जवाब वापस ला के दे दिया, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ ये सही लग रहा है, लेकिन इसको एग्जैक्ट देखना कि आया ये बाकी सही है या नहीं, हो सकता है मेरे लिए पॉसिबल ना हो। स्क्वायर रूट के केस में आसान है, लेकिन अगर आप उसको कहें कि इसका फैक्टोरियल निकाल के मुझे दो, ठीक है फैक्टोरियल आगे आ जाएगा। चले, फैक्टोरियल पता है आप लोगों को, मैथ्स में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ाते हैं, एफएससी में पढ़ाते हैं। एनीवे, बहरहाल कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो कि आप हाथ से दोबारा खुद नहीं कर सकते, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसने बात सही की या नहीं की। अब इसमें दो मसले हैं, नंबर एक आप क्या चाहते थे, नंबर दो आपने कंप्यूटर को बताया क्या है। तो कंप्यूटर के हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है, वो कहेगा आपने मुझे ये कहा था मैंने कर दिया, अगर मैंने कुछ और किया इसका मतलब है आपने मुझे बताया कुछ और था। मिसाल के तौर पर आपका एक रोबोट दोस्त है, आपने उसको कहा इंग्लिश में लिख के आपने उसको मैसेज किया कि लेट्स ईट ग्रैंडपा। ठीक है, इसको देखें गौर से, वो गया ग्रैंड पास आपको खा लिया, ठीक है थोड़ा सा आपके लिए भी रख लिया,
ओके लेट्स था ना हम दोनों, आप वापस गए आपने ये की है, आपने कहा था लेट्स सीट ग्रैंडपा, ठीक है। तो इशू ये है कि आपने बात गलत की थी, सही है, आपने बात उसको गलत की थी, उसने कुछ गलत नहीं किया बीच में, समझ रही बात की। आपने जो कोड लिखा था उस कोड से जो रिजल्ट निकलना चाहिए था वही रिजल्ट निकला, कंप्यूटर गलत नहीं है इसमें। और ये बड़ा मसला है कि अब आपका और कंप्यूटर का इख्तलाफ आ गया, आपने कहा मैं कुछ और कहना चाहता था, तुमने कुछ और समझा है, वो कह मुझे तो समझ आती नहीं आपने जो कहा मैंने कर दिया, ठीक है, मैं तो वो छोटा सा बच्चा हूं, आपने जो कहा मैंने कर दिया, समझ आ रही बात की। तो ये जो आपके पास तीसरी किस्म की एरर है ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बेसिकली कोई पार्टी गलती पर नहीं है, फर्क सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है कि मैंने जो बात आपको समझानी चाहिए मैंने आपको गलत तरीके से समझा दी, ठीक है, और जो आपने समझा मशीन ने जो चीज समझी उसने वही कर दिया, उसको जो मैंने बात की तो ये दरमियान में या तो ट्रांसलेशन होने में कुछ गलती हुई है या मेरे समझाने में कुछ गलती हुई है, तो कसूर हमारा है। और ये ऐसा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे तो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ गया कि कॉमे का मसला है, लेकिन ये प्रॉब्लम जब आते हैं वाकईतन तो ये एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स को भी आते हैं और इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको सारी कहानी ढूंढनी पड़ेगी कि मैंने अपनी पूरी कहानी में गलती की किधर है, ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने की, उन सारी बातों में किस जगह पे ये गलत कोई अजम्पशन आ गई है गलत, या कोई और ऐसी बात हो गई है जो मैंने पहले कर दी उसकी वजह से बाद में नुकसान से गलत आ गया, तो सारे किसी कहानी को आपको दोबारा देखना पड़ता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं सेमांटिक एरर्स, और ये वो सेमांटिक एरर्स हैं जिनको एसेंशियली हम एरर्स कह भी नहीं सकते, बेसिकली आपने कंप्यूटर को कोई और मसला हल करने का कहा है, समझ आ रही बात की, जो आपने उसको कहा उसने कर दिया लेकिन आपने उसको कुछ और करने का कहा है, और इनको फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है जी। और इसी के ऊपर जो इनको हल करने का तरीका है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, कि आप टेस्ट इतने ज्यादा लिखें कि आपको अश्योरेंस हो जाए कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी, ठीक है। जिन इनपुट्स आउटपुट्स का आपको पता है, अगर लेट्स से आप 1000 इनपुट आउटपुट्स के ऊपर कोई चीज को चेक करते हैं तो आपको काफी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जब 1001वीं चीज आएगी, 1000 पहली चीज आएगी तो वो भी ठीक ही काम करेगी। अगर आपने दो टेस्ट रन किए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं होगा, समझ आ रही बात की। तो इसका इलाज जो है वो अभी तक हमारे पास जो मौजूद है वो या तो ये है कि आप बैठ के सारे प्रोग्राम को दोबारा देखें, दोबारा समझें, और दूसरा इलाज इसका है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल चीज़ है और इसका इलाज जो है वो इसी वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, समझ आ गई बात की। लास्ट टाइम से पहले जो हमने टेस्टिंग की तफसील से बात की थी वो इसी वजह से की थी, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताएं। सेमेंटिक एरर्स की ग्रैंडपा वाली एग्जांपल दोगी उसको खैर छोड़े, लेकिन देखिए मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो हमने स्क्वायर रूट निकालने का बात की थी तो वो हमारे पास जवाब 35 आ रहा था, जी कंप्यूटर के अंदर हमने जो एल्गोरिथम लास्ट टाइम बनाया था मैं वहीं से एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, अगर एग्जांपल पसंद आए तो दूसरी फिर कोशिश करते हैं। अभी जहन में वो आ रही है कि हमने उसको कहा था कि ये एल्गोरिथम है, आप अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर भेजेंगे तो मैं आपको 36 का स्क्वायर रूट 6 निकाल के दे रहा था, मैंने उसको ये बताया नहीं था कि आप मुझे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं भेजेंगे, जो भी उसको कहते हैं, ठीक है। उसने मुझे भेजा 35 और मैंने उसको जवाब भेज दिया वापस 35 जो कि स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब ये सेमेंटिक एरर इस सेंस में है कि मुझे जो एल्गोरिथम दिया गया था मैंने उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक काम किया है, मैंने उसको कंप्लीट, या जिस बंदे ने ये एल्गोरिथम लिखा है उसने अगले को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चूंकि नहीं दी थी, उसने अपनी तरफ से पूरी ठीक बात की मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे वो दरमियान में एक मिसकम्युनिकेशन आ गई है, जिस तरह मैंने कहा कि या ट्रांसलेशन के अंदर कहीं पर मसला आएगा, ठीक है, या इस कम्युनिकेशन का इशू होगा, या अगले बंदे ने सही बात नहीं की, या मैंने सही नहीं समझी, इस किस्म के कोई ना कोई इशू आएंगे। तो अब यहाँ पे समझ का मसला जो आया वो ये आया कि मैं परफेक्ट स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहा था और वो मुझे एक ऐसा नंबर भेज रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी वजह से अब मेरा जो जवाब वापस गया है 35 वापस गया जो कि गलत है, ठीक है। लेकिन मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, मैं अपनी जगह पे क्यों सही हूँ, क्योंकि मैंने जो एल्गोरिथम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए है। जिस बंदे ने ये एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट किया उसका बेसिकली बीच में कसूर है कि उसने वो अजम्पशन आगे क्यों नहीं बताई, ठीक है। इसकी और तफसीली एग्जांपल जब आप खुद भी कोड करेंगे हम भी यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा आती जाएंगी, फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्ट मेरे जहन में इस तरह, क्योंकि इनकी एग्जांपल्स काफ़ी बड़ी सारी होती हैं, ठीक है। आपने एक बड़ा सारे नंबर को कोई दूसरे के साथ इस्तेमाल करना है, फलाना करना है, ढींगना करना है, तो आखिर में जाकर एरर आता है फिर, ठीक है। तो इसकी ऐसी कोई छोटी सी एग्जांपल इस फिलहाल जहन में नहीं आ रही, मैं सोच लूँगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप जब लिख रहे थे उस वक्त आपके जहन में ये था कि भाई मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ, या चले अब दूसरी एग्जांपल भी मेरे जहन में आ गई, आप रेडियस के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, आप किसी स्क्वायर सर्कल का एरिया निकालना चाह रहे थे, आप रेडियस के ऊपर काम कर रहे थे, थोड़ी देर बाद जाके आपको ये भूलिया कि मैं रेडियस पे काम कर रहा था, आप समझे मैंने डायमीटर लिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर पे भी करते हैं, रेडियस पे भी करते हैं, दोनों पे काम करते हैं ना, आप समझे मैंने डायमीटर लिया हुआ है,
तो ये समझे वाली बात बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप गलत समझे भी एक सिमेंटिक एरर है, लेकिन इशू ये है कि आपने कंप्यूटर को कह दिया माइनस, तो अब वो माइनस ही करेगा, उसको क्या पता आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, समझेगा आप इस टाइप का माइनस करना चाहते होंगे, बस वो माइनस करेगा। तो बिल्कुल ये एक अच्छी एग्जाम्पल है सिमेंटिक एरर। थैंक यू जी, और कोई सवाल या कोई बात हो? ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेमेंटिक एरर्स होते हैं, और ये तीसरी किस्म की जो एग्जाम्पल है, इसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जरिए से आमतौर पर सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ये एक बात हो। अभी दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, जिसके जरिए से हम पहुंचना चाह रहे हैं कि हम किस लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। अब ये सेमेंटिक एरर्स वगैरह ये सारे के सारे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ होते हैं। हम अब क्या करना चाह रहे हैं, हम किसी एक कंक्रीट लैंग्वेज तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अभी हम ये बातें जो है बातों से आगे निकाल के एक्चुअल मशीन को समझाना भी शुरू करें। ठीक है, तो इस वजह से हमें लैंग्वेजेस को कैटेगराइज करना पड़ता है। कुछ कैटेगराइजेशन मैंने आपको बता दी कि एक मशीन लैंग्वेज होती है जिसको मशीन समझती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है जो उससे थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी आसान होती है समझने में, लेकिन मशीन उसको फिर नहीं समझती। उससे ऊपर कुछ एक बिल्कुल ऊपर की लैंग्वेज हमने बताई जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, जो हम नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंग्लिश होगी, फारसी होगी, पश्तो, उर्दू, अभी जो भी जबान होगी, ठीक हो गया। दरमियान में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं और उनकी कैटेगराइजेशन मुख्तलिफ तरीके से होती है। मिसाल के तौर पर कुछ लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, और कुछ को हम कहते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज से मुराद ये होती है कि ये मशीन के करीब है, तो ये नीचे का जो लेवल होता है ये मशीन का लेवल होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि मशीन बेचारी जो है वैसे गिरी पड़ी कोई चीज़ है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, मशीन को आपको हर एक बात समझानी पड़ती है। तो आमतौर पर कंप्यूटर साइंस में जब लो लेवल का इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुराद ये होती है कि डिटेल तफसील बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज जो है दैट इज़ दी लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, इससे जब आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाते हैं तो यहाँ पे आके आती है ह्यूमन लैंग्वेज जो है, जिसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, वो यहाँ पे आती है, बिल्कुल हाई लेवल है। ठीक है, ये लैंग्वेज दिखा मैंने, सही है जी। तो ह्यूमन लैंग्वेज बहुत हाई लेवल है, उसके अंदर अक्सर बातें हम समझते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि जाए ना यार उस बंदे को बुला के ना, कितनी देर से नहीं आया हुआ, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि किसकी बात हो रही है, बंदे कौन से बंदे की, पीएन की बात हो रही है। ठीक है, पीएन की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी देर पहले हमने उसको बुलाने की कोशिश की थी। अब ये बात इस जुमले में कहीं नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास चूंकि नॉलेज है तो आप उसके जरिए से मकसद इंटरप्रेट कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आपको हर तफसील डिटेल में बतानी पड़ती है। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज का फायदा यह है कि मशीन उसको अच्छी तरीके से आसानी से समझ सकती है। हाई लेवल का फायदा यह है कि हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। मसला क्या है कि हमें कोई और बात समझ आती है, मशीन को कोई और बात समझ आती है, तो यहाँ पे दरमियान में आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस जो होती हैं इनको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि ह्यूमन को समझने में आसानी हो जिनको। ठीक है, ह्यूमन उनको देखे तो वो समझ सके, सही है। और लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो मशीन उनको देखे तो समझ सके। ठीक है, ह्यूमन भी कभी कभी समझ लेते हैं मशीन या लो लेवल लैंग्वेजेस को, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फिर उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही जी। अच्छा जी, दूसरी एक कैटेगराइजेशन है जिसका लो लेवल हाई लेवल से कोई फर्क ताल्लुक नहीं है, एक डिफरेंट किस्म की कैटेगराइजेशन है जिसको हम कहते हैं कि या जनरल पर्पस लैंग्वेजेस होंगी या डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, एक मिसाल मैंने आप लोगों को बताई थी जब हम लोगों ने वो केस स्टडी की थी राउंड ट्रिप वेब रिक्वेस्ट की, उसके अंदर हमने बात की थी SQL की। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। वो क्या है कि कोई अगर एप्लीकेशन किसी डेटाबेस से कोई डाटा मांगना चाहती है तो वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि किसी खास एरिया में ये अप्लाई होती है। तो डेटाबेस की जो डोमेन है, जो उसके स्कोप है, उसके अंदर जब अप्लाई होती है कोई लैंग्वेज तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। या मिसाल के तौर पे आपके पास सिक्योरिटी की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आपको फलां जगह पे जाने की इजाज़त है और फलां जगह पे जाने की इजाज़त नहीं है, ये हम एक खास जबान में लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी डोमेन स्पेसिफिक है। तो जब भी किसी खास मकसद के लिए, एक खास पर्पस के लिए जब लिखी गई हो लैंग्वेज तो उसको कहा जाता है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है, और अगर जनरल पर्पस हो, वो मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकती हो, यहाँ भी आपने लगाई, वहाँ भी लगाई, वहाँ भी लगाई, तो आपके पास उसको कहा जाता है जनरल पर्पस लैंग्वेज या जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आमतौर पर जनरल पर्पस लैंग्वेज कहा जाता है उसको, जनरल पर्पस है उसका। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे वो अप्लाई हो सकती है। ठीक है जी, समझ आ रही है। तो एक कैटेगराइजेशन होगी लो लेवल वर्सेस हाई लेवल, एक कैटेगराइजेशन होगी जनरल वर्सेस डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है जी, तीसरी किस्म होती है इंटरप्रेटेड वर्सेज कंपाइल्ड। कुछ लैंग्वेजेज होती हैं जो इंटरप्रेटेड होती हैं, कुछ होती हैं जो कि कंपाइल्ड होती हैं। इसको समझने के लिए आप जरा दोबारा देखें कि हमने बात की एक हाई लेवल लैंग्वेज में जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने लेके जाना है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि मशीन उसके ऊपर काम कर सके।
हमने बता दिया, अब मशीन उसके ऊपर काम कर सके तो इसको एक से दूसरे में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो तकारीर वगैरह होती हैं, इंटरनेशनल जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि स्पीकर एक जुमला बोलता है और कोई इंटरप्रेटर बैठा होता है, वो उसको दूसरी जबान में ट्रांसलेट करके आगे बताता है। ठीक है, चाइना का जो बंदा है वो बैठा हुआ वहाँ पे, वो चाइनीज जबान में बात कर रहा है, तो एक इंटरप्रेटर बैठा होता है जो कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा होता है, कुछ बैठे होते हैं जो कि उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, कुछ उसको अरबी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और जितनी भी लैंग्वेजेस वहाँ पे समझी जाती हैं उनके अंदर ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि एक जुमला सुने और उसको ट्रांसलेट कर दें, दूसरा जुमला सुने उसको ट्रांसलेट कर दें, तीसरा जुमला सुने उसको ट्रांसलेट कर दें, एक एक जुमला ट्रांसलेट करते जाएं और मशीन उस एक एक जुमले के ऊपर काम करती जाए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आपने बात शुरू की तो मशीन थोड़ा थोड़ा साथ साथ काम शुरू कर सकती है। ठीक है, इसको कहा जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो वन बाय वन, ठीक है, एक एक करके आप इंस्ट्रक्शन उसको बताते जाते हैं, वो मशीन में कोई बंदा उसको ट्रांसलेट करता जाता है और मशीन उसको साथ साथ रन करती जाती है। फायदा क्या है कि जैसे ही आपने बात शुरू की थोड़ी देर बाद मशीन भी साथ काम शुरू कर सकती है। ठीक है, नुकसान इसका क्या है कि अभी आपने बात शुरू की है, हो सकता है कि आप आगे जाके कोई और नई किस्म की बात बीच में करना चाहते हो जिसका इससे डायरेक्ट कोई रेलेवेंस हो और यहाँ पे उसकी जरूरत हो, तो वो बात अभी नहीं पता। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो तारीफें करना शुरू करे एप्पल की प्रोडक्ट्स की, और तारीफ किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, और आखिर में जाके वो ये कहता है कि ये सारी वो बातें हैं जो एप्पल करता है, हमें तो नहीं नजर आई। तो वो इंटरप्रेटर बेचारा सारी बड़े एक के साथ दो लगा के वो वहाँ पे तारीफें कर रहा है, आखिर में आके फंस गया कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये अलग टोन में बात कर रहा था, वो अलग टोन में बात कर रहा था। ठीक है, वो तो अल्फाज को देख रहा था ना, और आखिर में जाके पता चला कि भाई इन अल्फाज का मतलब कुछ और था। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड, जब आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये मसला आता है कॉन्टेक्स्ट का। नंबर दो, मैं बात करता हूँ, ये मेरी बात सुनता है, मशीन को बताता है, मशीन रन करती है, फिर मेरी बारी आती है, तो बारी बारी ये काम जब चलता है तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक मशीन ने काम कर नहीं लिया मुझे सब्र करना पड़ेगा ना कि हाँ जी चलो आप ये बात पहले उसको समझा दें, क्योंकि वरना फिर वो मेरी बात नहीं सुन सकता ना। मजा रही, इंटरप्रेटर या मेरी बात सुनेगा या उसको समझाएगा ना, तो जब तक काम हो नहीं जाता तो मैं आगे नहीं चल सकता, इस वजह से ये थोड़ी स्लो भी हो जाती है। तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी पूरी तकरीर ले जाकर उस बंदे को दे दूँ कि ये तकरीर मैं सारी करूँगा, या आप ले लो इस सारे को ट्रांसलेट एक दफ़ा कर लो। ठीक है, जब आप इस सारे को ट्रांसलेट कर लोगे तो फिर उसको जाके बता दो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंपाइल्ड ऑल एट वंस। ठीक है, तो कंपाइल बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को जमा करने को। ठीक है, तो आप सारी बातें एक साथ जमा कर लेते हैं, अगले को दे देते हैं, वो उसको एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेता है, फिर जाके मशीन को कहता है कि ये नहीं दिया, आप इसको रन करें। इसमें फ़ायदा क्या है कि जब आप मशीन को एक दफ़ा चीज़ पकड़ा देते हैं तो फिर मशीन बहुत तेज़ी से काम कर सकती है, क्योंकि उसके पास अब सारी मालूमात मौजूद है, वो उसके ऊपर फ़ौरन काम कर सकता है। इसके अंदर एम्बिग्यूटी भी ख़त्म हो जाती है, जो बात आखिर में आई होती है उसका अगर कोई इफेक्ट पहले पढ़ना होता है तो वो भी हो जाता है, वो मसले भी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें इशू क्या है कि इसमें मैं पहले अपनी सारी बात करूँगा, फिर मैं अभी ये ट्रांसलेटर को दूंगा, फिर वो सारे के सारे को चेंज करेगा और मशीन को ले जाके देगा, फिर जब मैं कोई नई बात करूंगा तो फिर मैं सारे का सारा उसको दूंगा, वो फिर सारे को ट्रांसलेट करेगा, फिर सारा मशीन को ले जाके देगा। तो इस सेंस में ये स्लो है फिर, कि मैं अपनी सारी बात कर लूंगा उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। सिंटैक्स एरर हमने देखे ना, अगर कहीं पर सिंटैक्स एरर है तो मैं सारी कहानी करने के बाद जब उसको दूंगा, वो उसको जब पढ़ना शुरू करेगा तो दरमियान में उसको सिंटैक्स एरर नजर आएगा, वो कहेगा यार ये बात तो आपने गलत की है, यार पहले कह देते ना, सारा ऊपर से नीचे पढ़ने के बाद आप मुझे कह रहे हो कि यार। ठीक है, तो इस सेंस में कंपाइल्ड वाला जो है वो स्लो है, लेकिन एग्जीक्यूट जब ये होगा, जब ये ठीक तरीके से आप मशीन तक पहुंचा दें तो वो रन उसको बड़ी तेज कर देगा। लेकिन मसला है कि जब वो रन करके आपको वापस देगा और जवाब अगर गलत हुआ, अगर सेमेंटिक एरर हुआ, तो फिर आपको बड़ी देर बाद पता चलेगा, उस वक्त तक हो सकता है वहां पे वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया। ठीक है, समझ आ रही बात की, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई इंटरप्रेटेड कोड नहीं चला था, एग्जाम्पल थोड़ी सी सही नहीं है। तो आपके पास क्या चीज़ है, एक सोर्स कोड है, इसको कहते हैं सोर्स कोड, हम सोर्स हैं, हमारे से ये बात शुरू हो रही है। ठीक है, सोर्स उसको कहते हैं जहाँ से बात शुरू होती है, तो हम सोर्स हैं, हमसे बात शुरू हो रही है, तो जो कोड हम लिखते हैं उसको कहा जाता है सोर्स कोड, और जब इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है मशीन कोड। ठीक है, दरमियान में एक और चीज़ आती है, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इस नाम को समझने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जब हम थोड़ा बहुत सी सी प्लस प्लस वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे हम फिर ये बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, वो ऐसा है जैसे इसको डायरेक्ट फारसी नहीं आती तो ये पहले उसको सिंधी में ट्रांसलेट कर देता है और वो सिंधी वाला जो है उसको फारसी में ट्रांसलेट कर देता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा जी, तो अब जो हम लैंग्वेज पिक करना चाह रहे हैं वो है पाइथन। तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, विच मीन्स इट्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट्स अ जनरल पर्पज लैंग्वेज, इसको आप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, इसको आप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इंटरप्रेटेड है।
जिसका कि मतलब है कि हम एक बात करेंगे, मशीन हमें उसी वक्त उसका जवाब दे देगी, हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही बात की? लेकिन ये जो अभी और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, उस बात को आप जरा समझेंगे, पर्सपेक्टिव हमारा क्या है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ लिखना छोड़ दें और ऊपर देखें, मैं आपको फिर टाइम देता हूँ लिखने के लिए। सब कुछ छोड़ दें और ऊपर देखें, हमारे पास यहाँ पे फास्ट में और किसी जगह पे जहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, जो लोग प्रोग्रामिंग खुद सीखते हैं, जिधर भी प्रोग्रामिंग सीखने का कॉन्सेप्ट आता है, हमेशा तरीकाकार यही है कि आप शुरू में कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे और फिर उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आप उठाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात की? हमेशा बंदा किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बात शुरू करता है, और चूंकि आपने एक जबान के ऊपर काम शुरू कर दिया तो इट बिकम्स अ मेजर बॉटलनेक, आपके लिए एक मेजर मसला ये बन जाता है कि अगर आपको ऐसा नजर आता है कि इस काम के करने के लिए मुझे किसी और लैंग्वेज में जाना पड़ेगा तो आप झिझकते हैं। समझ आ रही बात की? आप लोगों ने अगर C++ से काम शुरू किया, कल को आपको जाके पता चला कि एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो सी में अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, या मुझे कहीं से कुछ तैयार कोड मिल रहा है जो कि लेट्स से जावा में लिखा हुआ है, तो एक मेंटल हर्डल होता है, आपको ये जरा सी तकलीफ होती है कि यार मुझे तो जावा नहीं आती, मैं किस तरीके से जावा में वो करूँगा। समझ आ रही बात की? ये नेचुरल चीज़ है, ये हर किसी में होता है। हम चाहते ही हैं कि जब आप यहाँ पे पाइथन शुरू करें तो आपके जहन में ये चीज़ क्लियर मौजूद हो कि हम पाइथन को फॉर द पर्पस ऑफ पाइथन नहीं सीख रहे। ठीक है, हम पाइथन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी न किसी लैंग्वेज में तो हमें कोड करना है। ठीक है, वरना हम कंप्यूटर को समझाएंगे किस तरह, किसी लैंग्वेज में तो करना है, तो हमने पाइथन पे की, और पाइथन के अपने फायदे हैं। लेकिन पाइथन हमारा गोल नहीं है, हम क्लास में पाइथन नहीं सीखना चाह रहे। ठीक है, इस वजह से कभी कभार मैं ये करूंगा कि मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये काम सी में फॉर इंस्टेंस इस तरीके से होता है। उसका मकसद ये नहीं है कि आप जाके उसको सी में कोड करें, उसका मकसद ये है कि वो जो कल को आपको हर्डल आने वाला है वो अभी से हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते जाएं। कि पाइथन में इस तरीके से होता है, सी में इस तरीके से होता है, ठीक है, मतलब एक ही काम है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? ठीक है, मैं आपको कहूँ कि इस डाइस को यहाँ से वहां तक ले जाएं, तो दो तरीके हैं, आप एक डाइस को उठा के वहां ले जाएं, एक घसीट के इसको यहाँ से वहां तक ले जाएं। उठा के ले जाएं में जोर ज्यादा लगेगा, घसीट के ले जाने में ये होगा कि थोड़ा सा खराब होगी है, दोनों के अपने फायदे नुकसान होंगे। ठीक है, इसके भी फायदे नुकसान, उसके भी फायदे नुकसान। तो मैं आप लोगों को साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत बातें किसी और लैंग्वेज के बीच में करूंगा, उससे आप लोग ये परेशान ना हो कि भाई आप 10 लैंग्वेजेस हमें एक साथ क्यों करा रहे हैं। मैं आपको 10 लैंग्वेजेस एक साथ नहीं करवा रहा, मैं आपको करवा पाइथन ही रहा हूँ शुरू में, आगे जाके कहीं पे एक और बात आएगी, लेकिन जब तक मैं आपको ये कह ना दूं कि अब हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में जा रहे हैं, तब तक हम बात पाइथन में ही कर रहे हैं। आप लोगों को साथ में एग्जाम्पल दूसरी लैंग्वेजेस की इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात यकीन आ जाए। और बात बाकी ऐसी है कि लैंग्वेजेस में कोई खास मेजर फर्क नहीं है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक खास लैंग्वेज बस पावरफुल होती है, उसके अंदर लोगों ने काम ज्यादा किया होता है, इस वजह से वो उस काम के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो वो हर्डल मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं दूसरी लैंग्वेजेस का नाम बीच में लूंगा, कभी सी की बात आ जाएगी, कभी मैं जावा का नाम ले लूंगा, कभी किसी और लैंग्वेज का नाम ले लूंगा। ठीक है, तो वो मैं इस वजह से लूंगा ताकि वो आप लोगों को जो मेंटल हर्डल है वो थोड़ा सा ब्रेक होता रहे। ठीक है, तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या बात कर दी इसी के बारे में, आप पूछें। ठीक है, समझ रही बात की? लेकिन उसके अंदर ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाके बैठ जाएं और सी के अंदर वो कोड भी करें। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? तो लैंग्वेज को इस पर्सपेक्टिव से सीखें कि ये लैंग्वेज हम मसले को हल करने के लिए सीख रहे हैं, कल को अगर ये मसला किसी और लैंग्वेज से हल होता हुआ तो मैं वो जल्दी से सीख लूंगा। दूसरी चीज़ ये देखें कि हम लैंग्वेज को किस तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, उस तरीके को समझने की जरूरत है। आमतौर पर लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से समझाई जाती है, मैं यहाँ पे एक आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, हम कुछ चीज़ें जो कि बाद में पढ़ाई जाती है वो हम पहले पढ़ेंगे, वो इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि टिपिकली जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो ये तरीका बेहतर है, वो तरीका अच्छा नहीं है जिसमें टिपिकली पढ़ाया जाता है, वो अच्छा नहीं है, ये वाला तरीका बेहतर है नई लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो हम इस वजह से इस तरीके से सीख रहे हैं ताकि कल को जब आपको कोई नई लैंग्वेज की जरूरत पड़े और आप सीखना चाहें तो आप इसी तरीके को फॉलो करें और आसानी से सीखें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। समझ आ रही बात कीजिए? ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कि पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन आपके पास जनरल पर्पस लैंग्वेज है और आपके पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी जो है आपके पास वो भी एक किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इतनी हाई लेवल नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि मीडियम हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो जो हमने पूरा एक स्केल बनाया था उसमें ये बिल्कुल ऊपर नहीं है, पाइथन जितनी ऊपर नहीं है, पाइथन से थोड़ी नीचे है, लेकिन लो लैंग्वेज से फिर भी, लो लेवल से काफ़ी फिर भी ऊपर है। ठीक है, तो सी की ये बात है, सी भी जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इनफैक्ट सी जो है वो पाइथन से ज़्यादा जनरल पर्पस है। ठीक है, जनरल का भी डिपेंड करता है ना कि पाइथन अगर इतनी जगह पर अप्लाई होती है तो सी इतनी जगह पर अप्लाई होती है, लेकिन एक और सेंस में पाइथन ज़्यादा जनरल पर्पस है।
ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुछ जगह हैं जहाँ पे पाइथन अप्लाई होती है, कुछ जगह हैं जहाँ पे सी अप्लाई होती है, ठीक है, और कुछ जगह ऐसी जहाँ पे दोनों अप्लाई होती हैं। ऐसी जगह भी है जहाँ पे पाइथन अप्लाई होती है, सी अप्लाई नहीं होती। ऐसी जगह भी है जहाँ पे सी अप्लाई होती है, पाइथन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा होती है कम होती है, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रॉब्लम हल करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक सेंस में सी जो है वो ज़्यादा जनरल पर्पज़ है। सी जो है वो कंपाइल्ड है, ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटेड है और सी कंपाइल्ड है, और ये उन वजूहात में से शामिल है जिसकी वजह से हम पाइथन के जरिए से सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। क्योंकि आप बात करेंगे और वो फौरन उधर मशीन पे एग्जीक्यूट होगी, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं पहले इतना बड़ा सारा प्रोग्राम लिख लूं, फिर मैं उसको सारे को कंपाइल करूं, मशीन को दूं, मशीन उसको रन करे और मुझे एरर आ जाए कि आपने सिंटैक्स एरर किया था, बंदा कुड़ता है उस पर। हम जब सीख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई जो बात मैं कर रहा हूं आप उसको फौरन करो और मुझे जवाब दो अभी। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये एक वजह है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो आप लोगों को पाइथन के और मैं वजूहात बताता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश हो जाए कि ये वाकई किसी, तो पाइथन जहाँ पे भी पढ़ाई जाती है तो उसका इंटरप्रेटेड होना एक मेजर वजह है उसको पिक करने की, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटेड है, सी कंपाइल्ड है, दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना, ठीक है जी। अच्छा, अब पाइथन में आपके पास या किसी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में कुछ चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट्स, प्रोग्राम्स और शेल, ठीक है। स्क्रिप्ट्स क्या चीज़ें हैं, पहले प्रोग्राम देखें। प्रोग्राम्स क्या हैं, वो बेसिकली सोर्स कोड है। जिस बड़े मसले को आप हल करना चाहते हैं, सारे के सारे के जो कोड को आप मिला लें तो उसको कहा जाता है कि दिस इज अ सोर्स कोड फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है जी, क्लियर है। पूरे सोर्स कोड को जब आप मिला लें तो आप कहेंगे कि दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। अब प्रोग्राम उसको भी हम कहेंगे जो हमने लिखा सोर्स कोड में, हम प्रोग्राम उसको भी कहेंगे जो कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज में चला गया, वो भी प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम। सोर्स कोड ये है सिर्फ, वो मशीन कोड है, और दोनों को मिला के हम कहेंगे कि ये भी प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम, दोनों मिलके प्रोग्राम नहीं बनेंगे, ये अलग प्रोग्राम और उसी काम को करने के लिए ये अलग प्रोग्राम। समझ आ रही फर्क दोनों में, दोनों को मिला के प्रोग्राम नहीं कहेंगे, ये भी प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर है जी। स्क्रिप्ट क्या चीज़ है, स्क्रिप्ट है बेसिकली किसी बड़े मसले को नहीं, किसी छोटे मसले को हल करने के लिए छोटा सा सोर्स कोड, ठीक है, जो कि और बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। प्रोग्राम एसेंशियली सेल्फ कंटेंड होता है, और स्क्रिप्ट जो है बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है। और स्क्रिप्ट आमतौर पे छोटा होता है, प्रोग्राम बड़ा होता है, इस तरह माइनर से कोई फर्क है, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर पूरी एक किताब पकड़ा दूं तो दैट वुड बी अ प्रोग्राम, और अगर उस किताब से आप लोगों ने कोई बूटी वगैरह बनाई और एग्जाम में आप साथ ले गए तो वो होगा स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसको फिर हम पकड़ लेंगे और आपको फेल कर देंगे, ठीक है। ये ख्याल रखें, वैसे सेशनल में यहाँ पे आप लोग नए सेमेस्टर के लोग हैं, फास्ट में इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट है इस किस्म के रूल्स। आप लोग क्योंकि नए हैं तो आप लोगों को शायद पता ना, सीनियर से पूछ लें, अगर इतनी सी कोई कागज़ पकड़ा गया तो आमतौर पर रूल ये है, स्पेशली जबकि मैं खड़ा हूँ, रूल ये है कि चाहे वो उस सब्जेक्ट का कागज़ है या किसी और सब्जेक्ट का कागज़ है, ठीक है, तो ये काम होता है। एनीवे, तो आपको नकल करने की ज़रूरत नहीं है ना, असल में बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बड़े बड़े बाबे बैठे हैं, इस तरह यूं करके पकड़ लेंगे, वो चीज़ जेब में पड़ी होगी, वो आगे आपको कहेंगे खड़े हो बदल जेब देखो, यहाँ पे बड़े समझदार समझदार, ठीक है। हमारा इतना तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा क्या कि बस समझ इतनी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि पकड़ लेते हैं। एनीवे, अच्छा, तीसरी चीज़ रहेगी शेल, ये समझ आ गया स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, ये एक छोटा प्रोग्राम है। और शेल क्या चीज़ है, शेल वो चीज़ है, हमने कहा ना कि हम इंटरेक्शन करेंगे मशीन के साथ, मैं कोई बात करूंगा और मशीन मुझे जवाब देगी, मैं फिर और बात करूंगा, मशीन मुझे फिर और बात का जवाब देगी, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है शेल। तो शेल को मैं, शेल के अंदर मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिखूंगा और मशीन उसको एग्जीक्यूट करके मुझे जवाब देगी। तो होगा किस तरह कि मैं एक शेल खोलूंगा, शेल के अंदर मैं कोई कमांड लिखूंगा, उसको इंटरप्रेटर को दूंगा, इंटरप्रेटर वो मशीन को देगा, मशीन उसको रन करेगी, मुझे मशीन वापस जवाब बताएगी, मैं जवाब को दे के कोई और इंस्ट्रक्शन दूंगा और ये चीज़ दोबारा चलेगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रीड, इवैल यानी कि इवेल्यूएट यानी कि उसको एग्जीक्यूट करो, फिर उसका जवाब प्रिंट करो और वापस लूप करो, वापस जाओ दोबारा ये काम करो, ठीक है, लादर रिंस रिपीट। तो रीड इवैल प्रिंट लूप, रीड इवैल, रीड इवैल, प्रिंट लूप, REPL, ठीक है। तो रीड इवैल प्रिंट लूप, रीड करो, मशीन रीड करेगी हमारे इनपुट को, हम क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं उसको इवैल्यूएट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, उसका जो जवाब आएगा उसको प्रिंट करेगी और वापस हमें इजाजत दे देगी अब आप आगे बात करें, ठीक है। इसको रीड इवैल प्रिंट लूप कहा जाता है, इसके जरिए से हम काम करेंगे। तो पाइथन ये समझ आ गई जी, ये वाली दोबारा बता दें, ये ऊपर तक तो समझ, स्क्रिप्ट,
स्क्रिप्ट, आपके पास प्रोग्राम पूरा होता है, सारी की सारी बात उसमें होती है। स्क्रिप्ट किसी छोटे मसले को हल करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने सिर्फ वो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन लिखा तो हम कहेंगे कि एक स्क्रिप्ट है जो कि स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करता है। स्क्वायर रूट अकेला तो पूरे मकसद के लिए आप किसी को बेचेंगे तो नहीं कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटर में कहीं इस्तेमाल होगा और मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। तो स्क्रिप्ट एक छोटा प्रोग्राम होता है जो किसी खास मकसद के लिए लिखा जाता है, वरना दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, और कोई सवाल है जी यहाँ पे? प्रोग्राम आपके पास, देखें आपने किसी बड़े मसले को हल करना था, ठीक है, मिसाल के तौर पे वही हमने काम किया कि ईमेल का एक क्लाइंट हमने बनाना है, उसके लिए आप जो सारे का सारा सोर्स कोड लिखेंगे वो सारे का सारा मिलकर कहलाएगा प्रोग्राम। ठीक है, फिर जब आप उसको किसी कंपाइलर को देंगे और वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज के अंदर जो चीज पूरी कलेक्शन आखिर में बन जाएगी उसको भी हम कहेंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो आमतौर पर प्रोग्राम, अगर सिर्फ प्रोग्राम कहा जाए तो हम ये मशीन लैंग्वेज वाला पोर्शन मुराद लेते हैं, और जब सोर्स कोड कहा जाता है तो हम इसको मुराद लेते हैं। ठीक है, लेकिन सोर्स कोड को भी आप प्रोग्राम कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब सोर्स कोड को भी हम प्रोग्राम कह सकते हैं और कंपाइल करके जो चीज बनेगी उसको भी हम प्रोग्राम कह सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटेड आमतौर पर नहीं होता प्रोग्राम। जब इंटरप्रिटेशन चली होती है तो एक एक इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट होती है। ठीक है जी, आम तो हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम एक प्रोग्राम का सोर्स कोड, ये इसका सोर्स कोड है, ये किसी और का सोर्स कोड है। ठीक है, हो सकते हैं, होते भी हैं कभी कभी, लेकिन टिपिकली नहीं होते। ठीक है जी, फिर जी। अच्छा, अभी आगे मैं बस ये बात खत्म करता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी दो तीन चीज़ें आपको शक्लें सिर्फ इन चीज़ों की दिखानी है कि ये अब आपको नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पे आपको ये जो इस तरफ ये एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, आप लोगों में से जिन लोगों का पहले तजुर्बा नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको चाहिए होगा एक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, इसके लिए आपको दरकार होंगे एक अदर टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर आप काफ़ी सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज के अंदर बाई डिफॉल्ट आता है नोटपैड। ठीक है, मेहरबानी करें नोटपैड मत इस्तेमाल करें। ठीक है, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, तो सब्र करें। आपके पास विंडोज में नोटपैड आता है, एक चीज़ आती है उसको कहते हैं नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, वो विंडोज वालों का नहीं है, वो किसी और का है, फ्री अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। विंडोज के ऊपर मैं जिसको रिकमेंड करता हूँ जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है वो है एटम। ठीक है, ये गिटहब वालों का है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रही है एटम की है। जी, नोटपैड में कुछ मसाइल हैं जो कि अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर किसी को समझ आ जाए। एक तो वो लाइन एंडिंग सही तरीके से नहीं हैंडल करता, दूसरा उसके अंदर शक्ल उसकी अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब शक्ल की मेरे पास एक आगे स्पेसिफिक्स हैं लेकिन वो मैं अभी नहीं जाना चाहता उसमें। नहीं, फंक्शंस का इशू नहीं। हाँ, ये देखिए, याद रखें, एक सेकंड मैं बताता हूँ, फंक्शंस का मसला नहीं। आपको फंक्शंस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, आपको फंक्शंस ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको फंक्शंस कम चाहिए। जो काम करें टाइप करके हाथ से करें, गौर से सुने इस बात को, जो काम कर रहे हैं शुरू में एटलीस्ट इस सेमेस्टर में हाथ से टाइप करके करें। अगर आपके पास कोई ऐसा एडिटर है जो कि आपको लेट से कोई चीज़ें वगैरह जो आपको बार बार करनी पड़ती हैं वो रिपीटेडली आपको करके देता है, तो उसको इस्तेमाल मत करें नोटपैड को। इस वजह से मैं बुरा नहीं कह रहा कि उसमें फंक्शंस कम है, ये उसका बेनिफिट है नोटपैड का कि उसमें फंक्शंस कम है। उसमें और मसाइल हैं जिसकी वजह से नोटपैड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपको एडिटर ऐसा चाहिए जिसके अंदर फंक्शंस कम हो ताकि आप खुद कोड करें हाथ से। जब तक आपने 10 दफा वो काम हाथ से नहीं किया जो कि रेपिटेटिव काम है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये काम रेपिटेशन हो रही है और इसको खत्म करने की मुझे जरूरत है, इस रेपिटेशन को खत्म करने की मुझे जरूरत है। ठीक है, उससे फिर आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे। जब आपको ये पता चलेगा ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ और बार बार कर रहा हूँ और ये मुझे तंग कर रहा है, तो नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड देन यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर साइंस। तो आप कंप्यूटर साइंस इस तरह सीखेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा एडिटर मत इस्तेमाल करें जो कि आपका काम आसान कर रहा है, इस सेंस में कि वो आपके लिए कोड लिख रहा है। एक काम आप बार बार करते हैं, अगर ना बार बार आपने प्लस 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 करना है तो वो प्लस जो है बार बार खुद एंटर कर रहा है, ये एडिटर मत इस्तेमाल करें। अगर कोई एडिटर ऐसा है भी तो उसकी फैसिलिटीज को हटाएं, ठीक है, डिसेबल करें उनको और खुद जरा एफर्ट लगा के काम करें, फिर सीखेंगे। क्योंकि हम कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सारे इतने इतने छः छः दस दस लाइनों के कोड होंगे, तो उनको खुद लिखें, ठीक है, और बार बार लिखें ताकि कूड़ जाएं आप, जब आप कूड़ेंगे तो सीखेंगे फिर। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो एटम मैं टिपिकली सजेस्ट करता हूँ, एक है सबलाइम टेक्स्ट, ये आजकल बड़ा मशहूर है, लेकिन ये पैसों पे है, नहीं मिल क्रैक की जरूरत नहीं है। ये आप अगर इसको डाउनलोड करें तो ये यही करेगा कि 10-15 दफा जब आप सेव कर देते हैं तो कहते हैं यार पैसे दे दो ना, फिर आपको नहीं देता, फिर 10-15 दफा के बाद कहेगा, 30 दफा के बाद या एक दिन के बाद कहते हैं कि खैर है ना, तो बस वो एक ओके होता है, आपने क्लिक करना होता है। जी, नहीं 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 डिसेबल नहीं होता, सिर्फ कहता है कि दे दो, आपके नहीं देता तो कहता ठीक है, और कुछ नहीं कहता, और कुछ नहीं कहता,
लेकिन ये है कि ये किसी एक इंडिविजुअल ने लिखा और बड़ा अच्छा एडिटर है और बहुत सस्ता है, तो जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैसे मैसेज। मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, मैं इस वजह से एटम इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है जी, नोट पैड प्लस प्लस हो गया, लेकिन नोट पैड प्लस प्लस ज़रा थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन अगर इस्तेमाल करें तो वो भी काफ़ी अच्छा, तेज़ है नोट पैड प्लस प्लस काफ़ी, एटम थोड़ा स्लो है। ठीक है, एनीवे आप लोग एडिटर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इवन अगर नोट पैड भी इस्तेमाल करते हैं तो मेजर कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक लिहाज से वो अच्छा ही है कि वो आपको ज़्यादा पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एडिटर नज़र आ रहा है, ये एटम का एडिटर है, यहाँ पे सारी फाइलें आपको नजर आ रही हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे इसके अंदर आपको आपका प्रोग्राम का सारा सोर्स कोड नजर आ रहा है। अभी सोर्स कोड समझने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे हम सारा सोर्स कोड लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक एडिटर होता है जिसके अंदर आप अपना स्क्रिप्ट या अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है पाइथन के अंदर कोडिंग करने के लिए, ये एक तरीका है। ये तरीका हम बड़ी देर बाद इस्तेमाल करेंगे जाके, अभी फिलहाल आपको एडिटर नहीं चाहिए होगा, जो काम हम करेंगे असाइनमेंट के लिए चाहिए होगा, लेकिन जो क्लास में हम काम करेंगे उसमें हम एडिटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं शेल। अब ये देखें, यहाँ पे जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और पाइथन की इंस्टॉलेशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे किस तरीके से होती है, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये शक्लें बता लेता हूँ कि आप जाएंगे जब पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड होगा तो वहाँ पे आप लिखेंगे आई पाइथन, ये कमांड आप लिखेंगे। ठीक है, छोटा आई छोटा पाइथन, कोई स्पेस बीच में नहीं, कोई डैश नहीं, कुछ नहीं है। आई पाइथन जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक शेल आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि पाइथन 2.7 एनाकोंडा फलाना 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 डीना डीना, कुछ और बातें लिखी होंगी, और फिर यहाँ पे एक लिखा होगा, मैं ज़रा बड़ा करके लिख देता हूँ कि इन वन, और एक कोलन लगा होगा, और यहाँ पे आपका कर्सर होगा, वो इंतजार कर रहा होगा कि अब आप बात करें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वन का मतलब है कि आप पहली इंस्ट्रक्शन अब आप मुझे देना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, बोले क्या कहते हैं, तो ये रीड वाला पोर्शन है, अब ये रीड कर रहा है, आपकी बात का इंतजार कर रहा है कि आप कोई बात करें। जी, फॉर इंस्टेंस मैंने इसको कह दिया 2+3। ठीक है, जब मैंने इसको 2+3 कह दिया और मैंने एंटर जैसे ही मारा तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इवैल करेगा। ठीक है, जब ये इवैल कर लेगा तो उसके पास जवाब आ जाएगा 5, तो जो जवाब आएगा वो इसको आउटपुट कर देगा, यहाँ पे ये जो 5 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा इन टू, अब आप मुझे सेकेंड इंस्ट्रक्शन दें, तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी एग्जिट की, ये बस हो गया। ठीक है, बहुत काम कर लिया, थक गया, सही। तो ये रीड इवैल प्रिंट लूप आप शेल के अंदर चला सकते हैं। ठीक हो गया, जो प्रोग्राम आपने लिखा है अगर आपने वो एग्जीक्यूट करवाना है जो आपने टेक्स्ट एडिटर में लिखा था, तो आप किस तरीके से करते हैं कि आप कहते हैं पाइथन, और उस फाइल का नाम इसको बताते हैं कि ये वाली फाइल जो है, और पाइथन का सोर्स कोड जो है, जिस तरह टेक्स्ट फाइलें या वर्ड की फाइलें आप .doc में सेव करते हैं ना, उस तरह पाइथन की फाइलें आप सेव करते हैं .py फाइल में। ये बात समझ आइए, जो नए हैं खासकर उनको समझ आइए कि आप वर्ड की फाइल सेव करते हैं .doc एक्सटेंशन से, पाइथन की फाइल आप सेव करते हैं .py पाइथन के लिए, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, फाइल के फाइल नेम के आखिर में .py आना चाहिए। ठीक है जी, हो गया, तो इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं। हाँ जी, वो जिफ और जेबीजी मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई कि आपके पास शेल है, ये हम बार बार देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इनकी शक्लें दिखाना चाह रहा हूँ कैसी होती है। एक और चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं IDE, ये हम काफ़ी दूर जाके इस्तेमाल करेंगे। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये कैसी एनवायरनमेंट होती है, आपको एक ऐसी जगह मिलती है जिसके अंदर आपके डेवलपमेंट की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी आपस में इंटीग्रेट हुई होती हैं, सारी एक साथ पड़ी होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको आमतौर पर कंप्यूटर साइंस में IDE बोलते हैं हम लोग। ठीक है, IDE बोलते हैं, IDE ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे वो शेल भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको अपना सोर्स कोड भी नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ और चीजें भी नजर आ रही है। तो ये सब कुछ इंटीग्रेट करके एक जगह पे आपको दे दिया गया कि आप एक जगह पे इसको इस्तेमाल करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप एडिटर को ये IDE को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, IDE से वही बात है कि IDE आपका काम आसान करता है, तो जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो आपको IDE चाहिए होती है, लेकिन सीखने के टाइम पे अगर IDE इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स को IDEs की वजह से खराब होते हुए देखा। ठीक है, शुरू में IDE को इस्तेमाल मत करें। ठीक है जी, लेकिन ये होती है चूंकि जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर बाई डिफॉल्ट आती है, इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी कि ऐसी चीज़ भी होती है, प्रोफेशनली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी फिलहाल इस्तेमाल ना करें। एक और चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे, अगेन हमारा चूंकि मकसद पाइथन नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद एक और भी है। हमारा मकसद चूंकि पाइथन नहीं है, तो हमारे लिए जो टूल हमारे मकसद को अच्छे तरीके से हल करेगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक और टूल है जिसका नाम है पाइथन ट्यूटर, इसको आप देख सकते हैं python.com/visualize.html पे। ठीक है, डॉट
com, pythontutor.com/visualize.html, इस पर आप लोग भी जाके देख सकते हैं। हम आपको अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना भी सिखा देंगे, अगर नेट ना हो तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम आपको इंशाल्लाह लैब में सिखा देंगे। लेकिन इन एनी केस इंटरनेट पे जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपना सोर्स कोड लिखेंगे और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे किसी वजह से, ठीक है। वो वजह जब आएगी तब आपको बताएंगे फिर, ठीक है जी। बात समझ आ रही है? इसके अंदर थोड़ी इंटरेक्टिविटी ज़्यादा है, ये हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें विजुअली दिखाता है, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये है ही सीखने के लिए, इसका नाम है ट्यूटर, ये पाइथन सीखने के लिए है। तो शुरू में हम इससे बात शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि हम ज़रा पाइथन को अच्छा तरह समझ सकें कि पाइथन क्या कर रहा है, ठीक है जी। एक लास्ट चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करेंगे वो है नोटबुक। किधर गया नोटबुक? नोटबुक भी वैसा ही है जैसा कि शेल होता है। शेल अभी देखा था ना, आपसे एक रीड करता है इनपुट, उसको इवैल्यूएट करता है और आउटपुट प्रिंट करता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक नोटबुक है, जैसे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको हम देंगे, उसमें मुझे एक डब्बा सा मिलता है, इस डब्बे के अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 17 और मैंने उसको कहा कि अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लो। जब उसने एग्जीक्यूट किया तो जवाब वही 17 आ गया, तो इसने मुझे 17 वापस आउटपुट करके दे दिया। तो वही इन वन, और जो ये आउटपुट कर रहा है वो मुझे आउटपुट यहाँ पे करके बता रहा है, ठीक है। नोटबुक का फायदा ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी, इनपुट भी और आउटपुट भी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा तो मैं पहले अपने पास ये सारा कोड लिख के आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे आके आपके सामने या तो उसको सिर्फ रन करके आपको दिखाऊंगा या यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊंगा, तो आप लोगों को अंदाजा होता जाएगा कि ये काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इट्स एसेंशियली लाइक एन एग्जीक्यूटेबल नोटबुक। आपके अपने नोट्स हैं, इसके दरमियान में आप टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं और साथ साथ अपना कोड भी डाल सकते हैं, जो कि यहीं पे एग्जीक्यूट भी होता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो हम शुरू करेंगे तो हम नोटबुक से ज़रा स्टार्ट करेंगे और फिर हम पाइथन ट्यूटर के ऊपर जाएंगे और थोड़े अरसे बाद जाके हम लोग फिर स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। जी जनाब,